देखिए, आज की शुरुआत हम कर रहे हैं योग मुद्रा आसन से। इसको किस तरह से करना होता है देखिए। एक आसन में बैठ जाएंगे जिसका नाम है पद्मासन। बाएं पैर की जंगा पर दाएं पैर को चढ़ा के इस तरह से रखेंगे और दाएं पैर की जंगा भी कुछ तरह से बाएं पैर को रख लेंगे। तो ये हमारा बन गया पद्मासन। अब इसमें हम अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, एक दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ लेंगे और मुट्ठी बंद अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी को बंद कर लेंगे। अब इसको जो इस पद्मासन में कर सकते हैं वो पद्मासन में करें, और नहीं तो सुखासन में बैठकर भी इसको किया जा सकता है जो पद्मासन ना लगा सके। तो देखिए, सांस को छोड़ते हुए हमें आगे झुकना होता है। आगे झुकेंगे और अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगाएंगे। देखिए, सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। देखिए, एक बार और करके दिखाते हैं। सांस को छोड़ते हुए हमें आगे जाना है। देखिए, पूरे लंबे होके जाना है, इस तरह से नहीं मुड़ना है, पूरा लंबा होके जाना है। देखिए इस तरह से। इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। तो ये हमने आपको योग मुद्रा आसन करके दिखाया, ये हमने आपको विधि करके दिखाई कि किस विधि से ये आसन किया जाता है। इसकी सावधानी की बात की जाए, सावधानियों की, पीठ दर्द में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इसका विशेष ध्यान रखना है। जिन्हें भी ये समस्या हो वो इस आसन को ना करें। लाभ की बात की जाए तो पेट के नियम उत्तम आसन है ये। मेरुदंड में नाड़ी तंत्र स्वस्थ रहता है, इसके करने से फेफड़े मजबूत बनते हैं, गैस कब्ज आदि की निवृत्ति करता है, पैनक्रियाज को ठीक करके मधुमेह को नियंत्रण में रखता है। इसके ये विशेष लाभ हैं और इसके करने से तुरंत लाभ मिलता है। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। हमें रचना योग की तरफ से दीजिए इजाजत। आरवी सिंह योगाचार्य, जय हिंद, जय भारत।